जेएमएम अध्यक्ष हेमंत सोरेन आज झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। दोपहर 2 बजे मोरहाबादी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू हेमंत सोरेन को गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। इस खास मौके पर देश के विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। ममता बनर्जी, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, कमलनाथ, तेजस्वी यादव शपथ समारोह में शामिल होंगे। इसके अलावा अखिलेश मायावती, शरद पवार, कुमार स्वामी, चिदंबरम, अहमद पटेल, जीतनराम मांझी, तारिक अनवर डीराजा समेत कई बड़े नेता और उद्योगपति भी शपथ में शामिल हो सकते हैं। तो आज हेमंत सोरेन दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते नजर आएंगे। तो इस बार सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी झारखंड मुक्ति मोर्चा। 30 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा को अकेले अपने दम पर हासिल हुई हैं। सबसे बड़ी ऐतिहासिक जीत अभी तक की झारखंड मुक्ति मोर्चा की। और इसी के साथ आज यह भी लग रहा है कि मुख्यमंत्री की शपथ लेने के साथ ही यहां विपक्ष अपनी ताकत का इजहार करता भी नजर आएगा। एक बार फिर से वो मंच होगा जहां पर मुख्तलिफ विपक्ष के नेता यहां इकट्ठे होंगे और यहां से अपनी एकता का परिचय देने की कोशिश भी की जाएगी। तो रांची के मोरहाबादी मैदान में होगा ये शपथ ग्रहण समारोह। हेमंत सोरेन का शपथ ग्रहण समारोह आज सीएम पद की शपथ लेते नजर आएंगे हेमंत सोरेन। झारखंड के 11वें सीएम बनेंगे हेमंत सोरेन। 19 सालों में झारखंड की जब से उत्पत्ति हुई है 11वें मुख्यमंत्री होंगे वो। तो बड़ी खबर इस वक्त की झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसने कि आरजेडी, कांग्रेस और मुख्तलिफ छोटे दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार चुनाव लड़ते हुए बहुत सी बातों को रखा था उन्होंने रांची के मोरहाबादी मैदान में। दरअसल दोपहर 2 बजे होगा ये शपथ ग्रहण समारोह। आदिवासी इलाकों में इस बार बंपर वोट मिला, ज्यादातर सीटें आदिवासी, 27 सीटें जो हैं आदिवासी, 27 सीटों में ज्यादातर सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा के हाथ लगी। तो कड़ी टक्कर थी इस बार झारखंड में, जहां बीजेपी 65 पार का नारा लेकर चल रही थी, लेकिन 25 का आंकड़ा छुपाई महज